सो हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। और अब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और आज मैं बहुत जल्दी जग गया हूँ क्योंकि आज मेरा टेस्ट है और मुझे टेस्ट की प्रिपरेशन करनी थी। हालांकि मैंने टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत हद तक कर ली थी, लेकिन मेरा कुछ कुछ पोर्शन छूटा हुआ था तो उसे मैं अभी कंप्लीट करने के लिए जगा हूँ। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बायो की NCERT, जो कि थोड़ा सा पोर्शन छूट गया था। और उसके बाद मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ DBP सॉल्व करना। मैंने ये DBP पहले भी सॉल्व करने की कोशिश करी थी लेकिन मेरे से नहीं हुआ, तो फिर मैंने एक बार नोट्स पढ़ा और फिर NCERT भी रिवाइज कर लिया और यहाँ मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना कि मैं चैप्टर पढ़ लेता हूँ, सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन करने आता हूँ तो फिर कॉन्सेप्ट भूल जाता हूँ और सिली मिस्टेक मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो यहाँ जल्दी से मैं DBP सॉल्व करता हूँ। और फिर मेरे पास है मनीष दुबे का सर का कराया हुआ बहुत सारा क्वेश्चन, जो कि मनीष दुबे सर ने बैच में कराया था। मैं प्रोक्रास्टिनेट कर दिया था, मैंने सोचा था लिखूंगा, बाद में नहीं लिख पाया, बट मेरे पास यहाँ अभी PDF है तो मैं PDF से ही रिवाइज कर रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी सी नींद आने लगी थी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अल्टरनेटिंग करंट के DBP, जो कि आज के टेस्ट में आने वाला फिजिक्स का पोर्शन है। तो मैं एक बार जब DBP सॉल्व करके जाता हूँ तो थोड़ी सी हेल्प होती है एग्जाम में, खास करके फिजिक्स में तो सबसे ज़्यादा। अगर DBP मैं सॉल्व नहीं करूँ तो मेरे पास बहुत सारा समय बचेगा, बट उस समय के करेंगे क्या, फिर एग्ज़ाम में तो काम आना होता है न्यूमेरिकल्स ही। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करता हूँ। सो अल्टरनेटिव करंट की DBP सॉल्व करने के बाद मैंने सोचा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी DBP सॉल्व किया जाए, बट जैसे मैंने DBP सॉल्व करना स्टार्ट किया 2-3 क्वेश्चन हुए, उसके बाद बाकी के कोई क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था। मैंने नोट्स भी पलट के देखा बट मुझे कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगा, तो फिर मैंने सोचा एक बार जो है लेक्चर देख लेते हैं अलग सर से। ऑनलाइन स्टडी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको जब भी ज़रूरत हो, जब भी मन करे, आप लेक्चर निकाल के आप पीछे कर सकते हो, आगे कर सकते हो, जो पोर्शन देखना हो आप उसे एक बार आराम से रिवाइज कर सकते हो। मतलब रिसोर्स है तो रिसोर्स का पूरा यूज़ करना चाहिए। आई नो लेक्चर देखना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है लेक्चर देखने के अलावा। मैंने नोट्स देखा, नोट्स कुछ खास समझ नहीं आता तो फिर मैं लेक्चर ही देखूंगा। यहाँ पे ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं सबसे ज़्यादा फिजिक्स पढ़ता हूँ और सबसे कम नंबर फिजिक्स में ही मुझे मिलते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है मुझे फिजिक्स का। सो यहाँ मैं जल्दी से लेक्चर कंप्लीट करता हूँ और फिर मैं चलूँगा अपने लंच के लिए। सो ये मेरा फाइनल DBP है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो मैं इसे जल्दी जल्दी इस कंप्लीट करता हूँ। तभी मेरा लेक्चर पूरा हुआ भी नहीं था और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं लंच के लिए चला गया। मतलब मैंने उस चैप्टर को कंप्लीट किया भी नहीं है, पता नहीं मेरा टेस्ट में क्या ही हाल होगा। और यहाँ भी टेस्ट का टाइम हो चुका था तो मैंने टेस्ट स्टार्ट कर दिया। और इस बार के टेस्ट में मुझे खुद से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं क्योंकि फिजिक्स तो मैंने बहुत कम ही किया है, केमिस्ट्री और बायो तो मैंने ठीक ठाक कर लिया है, बट मुझे बायो में भी बायोटेक का दोनों पार्ट आ रहा है ना, तो उसमें मुझे थोड़ा कम कॉन्फिडेंस आ रहा है। बट फिर भी मैं क्वेश्चन तो करूँगा ही, देखता हूँ कितने गलती होते हैं। इसलिए मतलब लग नहीं रहा कि कुछ अच्छा स्कोर मैं कर पाऊँगा इस टेस्ट में, क्योंकि जैसे आपको बताया मैंने कि ये लास्ट पोर्शन है तो, और लास्ट पोर्शन का जस्ट सिलेबस कंप्लीट हुआ था तो मैंने उसका ज़्यादा ना तो टेस्ट दिया था और ना ही मैं ज़्यादा रिवाइज कर पाया था, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ अच्छा स्कोर कर पाऊँगा इस बार। I'm unstable and I'm unstable.
unsteady. I've lost a million times already and I'm so sorry but I'm not. सो फाइनली मेरा टेस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। इस टेस्ट में जितना मुझे कन्फ्यूजन हुआ ना, इतना कन्फ्यूजन मुझे किसी भी टेस्ट में नहीं हुआ। अगर इतना कन्फ्यूजन नीट के एग्जाम में हो जाए तो मेरा पेपर तो बेकार ही जाना है, क्योंकि मैंने इसमें दो दो बार तीन तीन बार मैंने आंसर बदले और फिर भी मुझे नहीं लग रहा था कि ये सही होगा या गलत। अभी यहाँ मैं फिजिक्स कर रहा हूँ, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स तो कम ही थे, बट जो भी थे थोड़े हार्ड वाले ही थे, बट मैंने उसे फिर भी ट्राई किया करने का। तो यहाँ पर मेरा फाइनल पेपर हो चुका था तो मैं यहाँ पे अभी से जल्दी से सबमिट करता हूँ। देख सकते हैं मैंने केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आ रहा था, तो मैंने सोचा उसे सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं, नेगेटिव ही होगा। सो जो भी हो, यहाँ पे मैं अब जल्दी से सबमिट करता हूँ और माय स्कोर इज 519, रैंक इज 2259, मतलब इतना 4 डिजिट रैंक कभी नहीं आया। और सब्जेक्ट वाइज बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जूलॉजी में 147, मतलब फिजिक्स में तो हमेशा कम आता ही है, लेकिन इस बार बायोलॉजी में भी मुझे लेट होगा। सो अकॉर्डिंग टू माई प्रिपरेशन नंबर तो सही ही है, मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया तो नंबर कहाँ से आए, बट कोई नहीं। अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ CLC, क्योंकि मुझे आज का पेपर लेना है, क्योंकि आज मेरा टेस्ट था मैंने दिया नहीं, तो मुझे अभी पेपर लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो अभी मैं वहीं जा रहा पेपर लेने के लिए, फिर उधर से आके कंटिन्यू करेंगे अपने स्टडी करना। तो इस ब्लॉग को मैं ही एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, अपना ख्याल रखे, ओके बाय। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जाओ मुसाफिर।